डीके शिवकुमार जी, वीरप्पा मोइली जी, बीके हरिप्रसाद जी, डॉक्टर अजय कुमार जी, मंजूनाथ भंडारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अब कुछ सालों से यहाँ पे बीजेपी की सरकार है। ये सरकार आपने नहीं चुनी थी, ये सरकार आपके वोट से नहीं बनी, ये सरकार बीजेपी ने चोरी की। लोकतंत्र को नष्ट किया, भ्रष्टाचार के पैसे से एमएलए को खरीदा और आपकी सरकार इन्होंने आपसे चोरी की। चोरी करने की इनकी आदत है। जो भी इनके हाथ आ जाए, चाहे सरकार हो, एमएलए हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, शुगर केन की फैक्ट्री हो, सब चोरी कर देंगे। इनके नेता कहते हैं कि ये इलेक्शन कर्नाटक को मोदी जी के हवाले करने का इलेक्शन है, तो अभी ये किसके हाथों में है? बीजेपी के हाथों में तो है। और ये कह रहे हैं कि भविष्य के लिए, सुनहरे भविष्य के लिए कर्नाटक को इनके हवाले कर दो। क्या आप पिछले 3 साल जैसा भविष्य चाहते हो? आजम, चालीस % वाली सरकार चाहते हो? हर चीज में 40%। इनके एमएलए कहते हैं, बीजेपी के एमएलए, कि सीएम की कुर्सी 2,500 करोड़ रुपए में खरीदी जा सकती। एक बार खरीदी तो उनको दाम भी पता लग गया। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, कहता है कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% लगता है। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी की रिसीट तक नहीं ली। लिंगेश्वर स्वामी जी कहते हैं कि हमें बीजेपी की सरकार ने डिस्काउंट दिया। आमतौर से 40% रिश्वत लेते हैं, उनसे सिर्फ 30% रिश्वत ली। ये है इनका धर्म, भ्रष्टाचार। 8 करोड़ रुपए इनके एमएलए का बेटा पकड़ा जाता है। पुलिस सब इंस्पेक्टर स्कैम, 80 लाख रुपए का ब्राइब। असिस्टेंट प्रोफेसर स्कैम, असिस्टेंट इंजीनियर स्कैम, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम, स्कैम 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 की लाइन लगी हुई है। एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ महंगाई और बेरोजगारी। पेट्रोल के दाम पहले 60 रुपए के थे, 90 रुपए हो गए। सिलेंडर 400 रुपए का होता था, 1100 रुपए का हो गया। जीएसटी ने छोटे बिजनेस वालों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। नोटबंदी ने गरीबों का पैसा छीन लिया और आज स्थिति यह है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, बीजेपी की सरकार में रोजगार नहीं मिल सकता। मेरे पास आंकड़े हैं, 40 करोड़ लोग गरीबी में फिर से घुस गए। 1% लोगों के पास हिंदुस्तान का 40% धन है। 90 लाख स्मॉल और मीडियम कंपनीज बंद हो गई। 1.6 करोड़ लोगों का जॉब चला गया। यह है बीजेपी का विकास। भ्रष्टाचार 40%, बेरोजगारी और महंगाई। तो चुनाव से पहले कांग्रेस के सीनियर नेता मिले और हमने सवाल पूछा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को कर्नाटक के लोगों के लिए क्या करना चाहिए। और सिर्फ हमने नहीं, हमने कर्नाटक की महिलाओं से,
युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से ये सवाल पूछा। हमने उनसे कहा पिछले 3 सालों में आपने 40% भ्रष्टाचार सहा, बेरोजगारी सही, महंगाई सही, अब आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। आपने हमें 4 जवाब दिए। पहला जवाब कर्नाटक की महिलाओं ने दिया, गृह लक्ष्मी स्कीम। ये हमने नहीं कहा, ये कर्नाटक की महिलाओं ने कांग्रेस पार्टी से कहा। गृह लक्ष्मी स्कीम का मतलब 2000 रुपए हर महीने कर्नाटक के महिलाओं को, हर परिवार में महिला को 2000 रुपए हर महीना। दूसरा वायदा गृह ज्योति स्कीम, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में। तीसरा वायदा 10 किलो चावल परिवार के हर मेंबर को। और चौथा वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीना हर ग्रेजुएट को और 1500 रुपए हर महीने डिप्लोमा होल्डर्स को। और ये सिर्फ शुरुआत है, कर्नाटक में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये काम ईमानदार सरकार आसानी से कर सकती है। और ये जो निर्णय है ये 6 महीने में, 1 साल में नहीं होगा। कांग्रेस के नेताओं ने निर्णय ले लिया है कि ये डिसीजन पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में होगा। पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में गृह लक्ष्मी, गृह ज्योति, अन्नभाग्य, युवा निधि, गृह मीटिंग पहले दिन। अब देखिए प्रधानमंत्री जी वायदे करते हैं। 15 लाख रुपए का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का वायदा किया। इनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। काला धन बढ़ा और जब मैंने भ्रष्टाचार के बारे में आवाज उठाई मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया। मैंने सिर्फ ये पूछा था, प्रधानमंत्री जी आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, कर्नाटक में स्टेज में आपके पास जो खड़े हैं उनको तो आप देखते नहीं हो, एक सवाल का जवाब दे दो। ये अडानी जी और आपके बीच में रिश्ता क्या है? ये इसकी कंपनी में, विदेश में शेल कंपनी में जो पैसा है वो किसका है? ये जवाब दो। जवाब नहीं मिला, पहले मेरी स्पीच को रद्द किया और फिर मुझे पार्लियामेंट से निकाल दिया। तो प्रधानमंत्री जी को आदत है कि वो अपने वायदे पूरे नहीं करते। हम अपने वायदे पूरे करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों से वायदा किया कि धान उनको सही रेट पर मिलेगा, हमने पूरा किया। हिमाचल में वायदा किया, पूरा किया। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये जो 4 वायदे हमने किए हैं ये पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दिन में हो जाएंगे। मगर प्रधानमंत्री से मैं एक बात कहता हूं और कर्नाटक की जनता, आप इस बात को याद रखना, प्रधानमंत्री जी हम ये वायदा यहां पूरा करेंगे। आप एक काम करना, जब कांग्रेस की सरकार इन 4 वायदों को यहां पूरा करेगी तो आप इन वायदों को हिंदुस्तान में पूरा करके दिखा देना। मोदी जी आप गरीबों से वायदा करते हो, किसानों से वायदे करते हो, देश के युवाओं से वायदे करते हो, उनको पूरा नहीं करते हो। एक भी आपने उनका वायदा पूरा नहीं किया। दूसरी तरफ आप अदानी जी से भी वायदे करते हो और उन सबको पूरा करते हो। उसको हिंदुस्तान के एयरपोर्ट दिलवा दिए, सरकार ने पोर्ट दिलवा दिए, डिफेंस इंडस्ट्री पकड़ा दी, तो वो वायदे पूरे करते हैं। मगर गरीबों को जो कहते हैं, युवाओं को जो कहते हैं, मछुआरों को जो कहते हैं, वो कभी पूरा नहीं करते। मैंगलोर के साथ हमारा पुराना रिश्ता है, आप जानते हो कि यहां पे पोर्ट कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी जी ने बनाया था। मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोल पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये कांग्रेस पार्टी की देन है।
चार पब्लिक सेक्टर बैंक, दक्षिण कनाडा कनारा बैंक, कॉपरेशन बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक, इन सबको नेशनलाइज बैंक के साथ मर्ज कर दिया। तो पुराना रिश्ता है हमारा। इस बार चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता। 150 सीटों से जीतने वाली है। बीजेपी 40% वाली पार्टी है, उनको आप 40 सीटें दीजिए, उनको 40 नंबर अच्छा लगता है। और याद रखिए कि पिछली सरकार उन्होंने आपसे चोरी की थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदे पूरा नहीं करेगी। हमने आपको गारंटी दी है कि चार वायदे पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दिन हो जाएंगे। मोदी जी आपने कहा था कि चार वायदे पूरे नहीं होंगे। मैं थोड़ी और बात जोड़ देता हूं, हम चार वायदे नहीं, पहले दिन हम पांच वायदे पूरे करेंगे। चार वायदों में हम एक और वायदा जोड़ेंगे। किसके लिए? महिलाओं के लिए। मोदी जी अच्छी तरह सुनिए, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहले दिन पांचवा वायदा, कर्नाटक की सब महिलाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में मुफ्त में जाएंगी। जो आपके लोगों ने पैसा चोरी किया, 40% पैसा कर्नाटक की महिलाओं से लिया, वो आपका काम है। हमारा काम कर्नाटक की महिलाओं को कर्नाटक का पैसा देने का है। इसलिए चुनाव जीतने के एकदम बाद जब भी आप बस में किसी भी महिला से मिलेंगे, वो एक रुपया नहीं देगी बस में ट्रैवल करने का। चार वायदे नहीं, पांच वायदे पूरे करेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।